हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जाने वाला हूँ साईंखड़ा श्री दादाजी धुने वालों के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराने के लिए। साईंखड़ा में दादाजी के दो मंदिर स्थित हैं, एक नया और एक पुराना। सबसे पहले हम जाएंगे नए मंदिर के लिए। तकरीबन 30 साल दादाजी साईंखड़ा और उसके आसपास के इलाकों में भ्रमण करते रहे। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ दादाजी ने अपने भक्तों के कष्ट दूर किए। दादाजी एक महान संत थे जिन्हें जन कल्याण के लिए कभी वेदों, शास्त्रों एवं मंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ी। लोगों का कल्याण करने का उनका एक अद्भुत ढंग था। वे भक्तों को गाली देते, डंडा मारते और उनके कष्ट हरते थे। उनके डंडों की मार खाने के लिए भक्तों की भीड़ रहती थी, परंतु कुछ ही भाग्यशालियों को ये सौभाग्य मिलता था। ऐसे थे हमारे प्यारे श्री दादाजी धूनी वाले। जय श्री दादाजी धूनी वालों की। फाइनली हम आ चुके हैं दादाजी दरबार में। बस ने हमको इधर ड्रॉप कर दिया है। यह आप बैक साइड देख सकते हो, इधर मंदिर है दादाजी धूनी वालों का। तो चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम फाइनली दर्शन कर चुके हैं और हम अब जा रहे हैं साईंखड़ा। उधर भी एक मंदिर बना हुआ है, उधर आपको दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों मंदिर के मेन गेट पे हम आ चुके हैं, अभी चलते हैं मंदिर के लिए। फाइनली दोस्तों हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, अभी आपको दर्शन कराते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों की काफी भीड़ रहती है यहाँ पे। दोस्तों आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो, इधर यज्ञशाला बनी हुई है। जब गुरु
गुरु पूर्णिमा के दिन इधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इधर धुनी जलाई जाती है। ये देख सकते हो आप यज्ञशाला। फाइनली दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यही समाप्त। वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो मैं किस प्लेस की बनाऊं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।